हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन। ये लेडीज़ कार्डिगन में बहुत सुंदर लगता है, लेडीज़ शॉल में भी आप डाल सकते हो और आप इसको स्कार्फ में भी डाल सकते हो। तो चलिए ये वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए फंदे चाहिए 12 के मल्टीपल प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस एंड प्लस 2 एज स्टिचेस। ओके, 12 प्लस 12 ऐसे करते जाएंगे और 3 एक्स्ट्रा प्लस 2 एज स्टिचेस तो रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे हर डिज़ाइन में मैं आपको बताती हूँ कि जो 2 एक्स्ट्रा हमारे जो ये एज स्टिच है वो होते हैं, मेरे हर डिज़ाइन में मैं अलग से बताती हूँ। तो वो इसलिए ताकि ये स्मूथ आए और जब भी हमने ये सिलना होता है तो बहुत अच्छे से सिल जाता है और ये बहुत अच्छा लगता है, एजेस भी स्मूथ आते हैं। तो ठीक है, तो देखिए ये सैम्पल के लिए मैंने डाले हैं इसमें 12 प्लस 12 24 एंड प्लस 3 एक्स स्टिचेस 27 एंड 2 एज स्टिचेस 29। सो ये 29 स्टिचेस इन टोटल। तो चलिए इसको बनाना हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये 20 रोज का पैटर्न है इतना, ठीक है। लेकिन हम इतना जितना ये 10 का बनेगा फिर सेम वही 10 रिपीट होगा, बस ये थोड़े हमारे जो ये पत्ते से बन रहे हैं ये थोड़े आगे पीछे होंगे, तो इसलिए ये 20 रोज का है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी इसकी फर्स्ट रो है। तो देखिए फर्स्ट रो में हमने क्या करना है, पहला स्टिच हमारा एज स्टिच है, उसको एज इट इज उतार लेंगे, आगे हम धागा आगे करेंगे और पांच हम फंदे उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके 5 स्टिचेस हमने उल्टे उल्टे बनाने। अब धागा पीछे करेंगे और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदों का 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने धागा आगे करने जाली बनानी है और ये सीधा बना लिया एक, तो ये हमारी जाली बन गई धागा आगे की। अब फिर धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए और ये स्लिप, नेक्स्ट वाला भी स्लिप और इनको बैक की साइड से दोनों को 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया। तो आगे अब हमारे जो है वो इसके यहाँ पे हमारे बीच में जो है वो 7 स्टिचेस जो है वो उल्टे आएंगे। अब मतलब 2 यहाँ के जो ये 12 वाले उसके 2 बचे और 5 आगे वाली जो हमारी ये वाला पत्ता यहाँ पे बनेगा। तो ये 7 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर हम ऐसे ये 2 को 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा आगे जाली के लिए ये एक सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे इससे जाली बनेंगी और ये स्लिप और ये भी स्लिप और इनको बैक लूप से ये 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। ये धागा पल ये वाला फर्स्ट पहला फंदा हमने पलट के, तो फिर धागा अब हम आगे करेंगे और आगे हम 5 जो हैं वो उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड हमारा एज स्टिच हम सीधा बनाएंगे। अब आगे हम इसकी सेकंड रो पे और ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड में जो सीधे हैं उनको सीधा बनाना है, जो उल्टे हैं वो उनको उल्टा। तो जो हमारे इस साइड उल्टे थे वो यहाँ सीधे हो जाएंगे। तो देखिए ये पहला फंदा तो हमारा हमेशा उल्टा ही रहेगा रॉन्ग साइड में, इसको उतारेंगे उल्टे साइड से। फिर हमारे जो 5 पहले सीधे, अब यहाँ पे सॉरी दूसरी साइड में हमारे वो सीधी साइड में उल्टे थे, अब ये सीधे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये यहाँ पे उल्टे बनाए थे हमने, तो यहाँ पे ये सीधे हो गए। अब धागा आगे करेंगे और ये सीधे बनाएंगे हम, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 हमने उल्टे बना लिए, ठीक है। अब हम फिर धागा पीछे करेंगे, जो हमने पीछे भी 7 हमने उल्टे बनाए थे यहाँ पे वो सीधे होंगे उल्टी सिलाई में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फिर धागा पीछे
पांच हमारे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर धागा पीछे, आगे वाले ये पांच हमने उधर उल्टे बनाए थे, अब ये सीधे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला एज स्टिच उल्टा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आपने ध्यान रखना है, जितनी भी हमारी रॉन्ग साइड आएंगी उसमें जो उल्टा है उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा है उसको सीधा बनाएंगे। ये पूरी रो जो है वो सीधी नहीं होगी 9th रो तक, मतलब सॉरी उल्टी नहीं बनाएंगे हम। तो जो सीधा है दिख रहा है, जो जैसा दिख रहा है, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा, जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा, हमारी रॉन्ग साइड में 9th रो तक हम ऐसे करेंगे। तो देखिए अब हम आगे हमारे इसकी 3rd रो पे, तो देखिए 3rd रो में एज स्टिच एज इट इज धागा आगे किया। अब हमने यहाँ पे 4 उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। धागा पीछे किया, 4 उल्टे बनाने के बाद ये वाला एक छोड़ दिया, इसके साथ ये वाले ये 2 का 1 कर दिया, और आगे ये जो जाली से बना था इसको भी हम सीधा बना देंगे। अब यहाँ से हम धागा आगे करेंगे, ये जो एक सीधा है इसी के ऊपर देखिए, जो ये वाला जैसे यार है इसके ऊपर जाली बनेगी दोनों साइड। ये धागा आगे किया, जाली बन गई, ये एक बनाया, फिर धागा आगे किया और ये एक सीधा बना लिया हमने यहाँ जो जाली वाला था, और फिर इसको स्लिप करेंगे, स्लिप और नेक्स्ट वाला भी स्लिप, ये दोनों को बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। अब जो मेरे पास हमारे पास पहले 7 थे, अब वो 5 रह जाएंगे। तो धागा आगे किया, उल्टे बना लेंगे हम 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 एंड 5, फिर धागा पीछे करेंगे और अब फिर इनको 2 का 1 कर देंगे, और आगे वाला फंदा जो है उसको भी हम सीधा बनाएंगे, और यहाँ धागा आगे किया, इसके ऊपर एक जाली एक, फिर धागा आगे किया, फिर एक सीधा और ये स्लिप, और ये स्लिप 2 का 1 कर दिया। अब हमारे यहाँ पे 4 रह जाएंगे ये उल्टे, 1 2 3 एंड 4, एंड धागा पीछे करके ये लास्ट वाला स्टिच जो है उसको सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी 3rd रो कंप्लीट होगी, ये 4th हमारी रॉन्ग साइड है, जो जैसे दिख रहे हैं उनको वैसे बनाना है, जो उल्टा वो उल्टा, जो सीधा सो सीधा। सब आ गया हम इसकी 5th रो पे, तो देखिए 5th रो में ये एज स्टिच ऐसे उतारा, धागा आगे किया, और अब हमने ये 3 उल्टे बनाने हैं, 1 2 3, ठीक है। फिर धागा पीछे किया, आगे ये वाला है और ये वाला 2 का 1 कर देना, इस तरह से बना सीधे से। अब आगे फिर हमने ये 2 सीधे बनाने हैं, 1 एंड 2। अब ये वाला जो है इसके ऊपर हमारी ये जो सीधा चल रहा है इसके ऊपर जाली, धागा आगे किया, ये 1 जाली, फिर धागा आगे किया, फिर अब ये हमारे 2 सीधे हो जाएंगे, 1 2, और फिर ये वाला ऐसे स्लिप, आगे वाला भी स्लिप, और ये दोनों को बैक लूप से हमने बना दिया। तो हमारे ये फंदे यहाँ कम होते जा रहे हैं और यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, सेम यहाँ पे ये जहाँ जो कम हो रहा है लेकिन जाली से वो बढ़ रहा है। तो ठीक है अब इतना हो गया हमारा, फिर धागा आगे, अब हमारे यहाँ पे 3 उल्टे रह जाएंगे, 1 2 एंड 3, फिर धागा पीछे किया, ये आगे वाला ये सीधे के साथ ये वाला लेके 2 का 1, फिर एक 2 सीधे, 1 2, फिर धागा आगे, यहाँ पे जाली बनानी है, फिर इसमें ये धागा आगे किया, फिर 2 बना लेने हमने ये, 1 एंड 2, फिर ये स्लिप स्लिप, और इनको बैक लूप से बना लेना है। आगे हमारी 3 जो है वो हम उल्टे बनाएंगे और एज स्टिच हमारा सीधा। तो ये हमारी 5th रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो मैंने ये 6th रो बना ली है, जो सीधे दिख रहे हैं वो सीधे, जो उल्टे वो उल्टे। अब आ गया हम इसकी 7th रो में राइट साइड, तो अब हमने फिर वो एज स्टिच स्लिप किया, धागा आगे करके, अब हमारे जो 2 उल्टे बना लिए हमने ये हो गए, फिर धागा पीछे, फिर ये 2 इस वाली देखो, इससे हमें पता चलता ही जाएगा कि कौन से वाले के साथ हमने ये 2 का 1 करना है। तो ये ऐसे लेके ये 2 का 1 किया, फिर आगे हमने 3 बनाने हैं, 1 2
थ्री, ये सीधे सीधे फिर धागा आगे, इसके साथ ये जाली, फिर यहाँ से ये जाली आगे, तीन सीधे, वन टू एंड थ्री, फिर ये स्लिप, और ये स्लिप किया यहाँ से, और इनको बैक लूप से दो का एक कर दिया पीछे से, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे उल्टा एक रह गया, इसको एक उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, फिर ये दो का एक करेंगे, फिर तीन सीधे बनाएंगे, एक दो और ये तीन, फिर धागा आगे, एक जाली बन गई, फिर धागा आगे, फिर हमारे ये तीन सीधे होंगे, दो और ये तीन, और फिर ये वाला स्लिप स्लिप, और ये बैक लूप से दो का एक कर देंगे, और दो उल्टे और एज स्टिच सीधा बनाएंगे। तो हमारी ये सेवेंथ रो कंप्लीट हो गई है। तो अब आगे हम इसकी एट्थ रो पे, तो देखिए नहीं सॉरी नाइन्थ रो पे, एट्थ हमारी उल्टी साइड थी, नाइन्थ ये धागा स्लिप किया एज स्टिच, फिर धागा आगे किया, एक उल्टा बनाया, अब धागा पीछे किया और ये दो का एक कर दिया, फिर हमारे ये फोर हो गए होंगे, वन टू थ्री एंड फोर, धागा आगे किया, यहाँ पे जाली बनाई, फिर धागा आगे, जाली, फिर ये दो तीन, ये चार हो गए हमारे ये, और ये फिर ऐसे। अब देखिए सॉरी, अब हमने यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब ये वाला जो है ना, ये बीच में हमारे पास एक ही उल्टा बचा है, तो ये वाला जो है इन तीनों का हमने एक कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हमने सीधा ऐसे ही उतारा, आगे वाले दो जो हैं वो दो का एक कर दिया, और इसको इसके ऊपर से घुमा के ऐसे बंद कर दिया, तो ये हमारा तीन का हमने एक कर दिया, ठीक है। अब आगे फिर हमने सीधा बनाना है यहाँ पे, वन टू थ्री एंड फोर, अब फिर धागा आगे किया, यहाँ पे हमने ये सीधा बनाया, फिर धागा आगे, फिर वन टू थ्री एंड फोर, अब ये फिर धागा सॉरी ये वाला फंदा स्लिप किया, ये भी स्लिप किया, और इनको बैक लूप से दो का एक कर दिया, और आगे ये फंदा उल्टा, एंड ये सॉरी लास्ट वाला हमारा एज स्टिच, उसको हमने सीधा बना लिया। तो हमारी नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी टेंथ रो में क्या है कि जो हमारे ये एज स्टिच से पहले वाले दो फंदे हैं, ये उल्टी साइड से हमने सीधे बनाने हैं, बाकी सारे हमारे उल्टे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी टेंथ रो जो है वो कंप्लीट होगी, तो ये हमारा इतना पोर्शन बन गया। अब हम ये बीच वाला बनाएंगे, तो देखिए अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ बीच में आएगा हमारा, और ये हाफ इस साइड भी हाफ आएगा ये लीफ, और इस साइड भी हाफ। तो देखिए क्या करना है, हमने एज स्टिच को एज इट इज उतारा, फिर धागा आगे किया, ये बंदा तो हमारा उल्टा ही चलेगा, इसको उल्टा बनाया, धागा पीछे किया, और एक हमने सीधा बना लिया। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, पहले ये एज स्टिच को हमने एज इट इज उतारा, एक उल्टा बनाया और एक सीधा, अब धागा आगे करेंगे, ध्यान से यहाँ धागा आगे किया जाली बनाने के लिए, फिर ये स्लिप स्लिप, और ये बैक लूप से इसको हमने बना दिया। तो देखिए ये धागा यहाँ पे कम भी हो गया, लेकिन ये जाली से बढ़ गया। अब देखिए हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो हम ये सात फंदे है ना, ये जो सात फंदे यहाँ पे उल्टे बनाए थे, अब हम यहाँ पे सात उल्टे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, धागा पीछे कर देखिए, ये जो हमारा पत्ते के ये बीच वाली लाइन है, यहाँ पे हमारा फोर्थ आएगा, और ये फोर तीन यहाँ से तीन है, तो ये सात हो गए। अब इसको धागे को पीछे किया, फिर यहाँ से फिर वैसे ये दो का आगे वाले ये दो का हमने एक कर दिया फ्रंट से, फिर धागा आगे किया, देखिए ये जो हमने तीन का एक नया बनाया था उसके ऊपर चलेगी, अब हमारा ये सीधा सा है इस तरह से, धागा आगे किया,
जाली बना के ये सीधा बनाया, फिर धागा आगे, फिर ये स्लिप स्लिप, और इनको बैक लूप से हमने दो का एक कर दिया। फिर आगे धागा पीछे किया, सॉरी आगे किया, और हम साथ जो है वो उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। फिर देखिए धागा पीछे किया, अब हमने ये दो का एक कर देना यहाँ ऐसे, यहाँ पे पलटना नहीं है, ये फ्रंट से कर दिया। फिर धागा आगे किया और ये हमने सीधा बनाया, और आगे एक फंदा उल्टा और एज स्टिच सीधा। तो ये हमारी होगी है 11th row। 11th row पूरे इतने से इतना, ये जब एक है तो ये 11th row, अदरवाइज अगर हम इतना ही लेंगे जैसे इतना, तो ये 1st row है इस वाली पोर्शन की, ठीक है। और हमारी अब हमारी इसकी जो 12th row है, इसमें सेम वैसे ही करना है, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे बनाना है। धागा उल्टा, ये तो एज स्टिच को उल्टा बनाया, ये सीधा, ये हमारे तीन आधा धागा आगे किया, तीन उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे, फिर हमने जो सात यहाँ उल्टे बनाए थे यहाँ सीधे हो जाएंगे ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अब हम धागा आगे किया और ये हमारे पांच यहाँ पे उल्टे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि ये यहाँ सीधे थे तो यहाँ उल्टे ही आएंगे। फिर धागा पीछे, ये वही सात हैं जो हमने उल्टे बनाए थे, अभी यहाँ सीधे हैं, हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। फिर धागा आगे किया और लास्ट के ये तीन स्टिच हमने सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, और ये वाला स्टिच हमारा ये सीधा हो जाएगा, ये वाला फंदा सेकेंड लास्ट, और लास्ट जो हमारा एज स्टिच है हम उसको उल्टा बना देंगे। तो ये हमारी 12th row कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी 13th row में, तो जैसे मैंने 12th row वैसे ही बनानी, जो रॉन्ग साइड जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा, जो सीधा सो सीधा। तो अब आगे हम इसकी 13th row पे, एज स्टिच एज इट इज उतारा, धागा आगे किया, ये उल्टा बनाया एक फंदा, फिर धागा पीछे, ये जो सीधा है इसके ऊपर ही जाली बनेगी, ठीक है, ये सीधा लिया, फिर जाली बनाई, एक आगे किया धागा आगे, ये एक सीधा बनाया, और फिर ये स्लिप, और ये आगे वाला भी स्लिप किया, और इनको बैक लूप से दो के हमने एक कर दिया। अब फिर हमारे ये धागा आगे किया, पांच उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर धागा पीछे, ये फ्रंट से दो का एक किया, फिर आगे वाला जो जाली वाला इसको सीधा बनाया, फिर धागा आगे और फिर एक जाली, फिर धागा आगे इसको सीधा बनाया, फिर ये स्लिप, ये स्लिप, और ये बैक से दो का एक कर दिया। फिर आगे ये पांच हम सीधे बनाएंगे, 5, 1, 2, 3, 4 and 5, धागा पीछे, ये दो का एक किया फ्रंट से, फिर आगे वाला सीधा बनाया, फिर धागा आगे जाली बना के और ये सीधा बना दिया, ठीक है, धागा आगे ये उल्टा बनाया एक फंदा, और एज स्टिच हमारा सीधा। तो ये 13th row कंप्लीट होगी। तो ये 14 आई हमारी बैक की। तो अब आगे हम इसकी 14th row पे, तो देखिए 14th row में हम क्या करेंगे, एज स्टिच उतारा, धागा आगे करके एक उल्टा बनाया, फिर ये सीधा, और इसी सीधे पे हमारी जाली बनेगी, धागा आगे किया और दो सीधे बनाए, 1, 2, फिर ये स्लिप, आगे वाला भी स्लिप, और बैक लूप से इनका दो का एक किया। अब धागा आगे, तीन उल्टे बनाएंगे हम, 1, 2 and 3, फिर धागा पीछे, ये दो का एक किया फ्रंट से, फिर हमारे दो सीधे आएंगे, 1, 2, फिर धागा आगे किया और यहाँ पे जाली, फिर धागा आगे, फिर दो सीधे, 1, 2, और फिर ये स्लिप स्लिप,
ये बैक लूप से बना दिए, धागा आगे किया, तीन उल्टे, 1, 2 एंड 3, फिर ये दो का एक कर दिए यहाँ, फिर दो सीधे, 1, 2, धागा आगे, जाली बना दी इसके साथ, और ये वाला फंदा हमने बनाया उल्टा, और ये हमारी हम गए बैक। तो इसके ये फ्रेज और इसका एज स्टिच सीधा, तो ये हमारी 15th रो कंप्लीट होगी। तो अब आगे हम इसकी 17th रो में, तो देखिए 17th रो में क्या करेंगे, एज स्टिच एज इट इज उतारा, धागा आगे किया, एक उल्टा बनाया, फिर एक सीधा, और इसी सीधे के ऊपर ये जाली बनाएंगे धागा आगे करके, और अब हम तीन सीधे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये जाली बना दी हमने यहाँ पे इसके साथ, फिर ये स्लिप स्लिप, और ये ऐसे बैक लूप से बना दिया। अब हमारे पास एक उल्टा रह जाएगा, ये धागा पीछे, फिर ये दो सीधे, फिर ये सीधे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, तीन सीधे बनाए, धागा आगे किया, यहाँ पे जाली बनाई, फिर धागा आगे किया जाली के लिए, फिर तीन सीधे बनाएंगे, 1, 2 एंड 3, एंड फिर यहाँ पे ये स्लिप स्लिप, और ये बैक लूप से दो का एक कर दिया, फिर धागा आगे, फिर ये हमारा उल्टा एक बनाया, फिर ये दो फ्रंट से दो का एक किया, फिर हमने तीन सीधे बनाए, 1, 2, 3, एंड धागा आगे किया, और यहाँ इस एक के साथ ये जाली बनाई सीधे के साथ, फिर धागा आगे, और एक उल्टा, और एज स्टिच सीधा। तो ये हमारी 17th रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी 19th रो पे, एज स्टिच हमने एज इट इज उतारा, फिर धागा आगे किया, फिर एक उल्टा बनाया, धागा पीछे सीधा, फिर इसके ऊपर ये जाली, फिर ये 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए फिर हमने यहाँ पे ये इस तरह से हो गया, ये बीच में एक उल्टा है, तो अब हमने यहाँ इन तीन का एक करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, और आगे वाले दो को हम इकट्ठा बनाएंगे, दो का एक कर दिया, और इसको जो हमने बिना बुनाई यहाँ लिया था, इसको इसके ऊपर से घुमा दिया, और ये यहाँ पे उतार दिया, तो ये बंद हो गया, तो ये तीन का एक बन गया। अब फिर हमने सीधे बनाने ये चार, 1, 2, 3, 4 की 4 स्टिचेस होगी, धागा आगे किया, फिर ये जाली बनी, फिर धागा आगे, अब हमने फिर 4 स्टिचेस बना लेने, 1, 2, 3 एंड 4। फिर हमने इन तीन का एक करना है, ये स्लिप, और इन दो को इकट्ठा, दो का एक किया, और ये इसके ऊपर से ऐसे घुमा के बंद कर दिया, फिर ये 3, 4 उल्टे, 4 हो गए, फिर धागा आगे, ये सीधा बनाया, जाली बन गई, फिर धागा आगे किया, और ये उल्टा बना दिया, और एज स्टिच सीधा। तो अब आगे हम इसकी 20th रो में, जो इसकी लास्ट रो है, बीच के सारे सीधे ही उल्टे बनेंगे यहाँ पे, बस ये जो एज के साथ बदला है, जो ये हमारा हम बना रहे फ्रंट में हम उल्टा बना रहे हैं, ये यहाँ पे सीधे होंगे ये दोनों फंदे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी 20 रोज कंप्लीट हो गई है। 20 रोज इतना, ये इतना पोर्शन 20 रोज का है, इतना ये 10 का है। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने ध्यान रखना है, जो इसकी रॉन्ग साइड है उसमें जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाना है, जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाना है, ओके। तो फ्रेंड्स आप ये डिज़ाइन जरूर ट्राई करिएगा, बहुत सुंदर लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।